कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की जबान एक बार फिर फिसली है। विदेश नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए उन्होंने कहा, पीएम को इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर की फिक्र नहीं है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड की बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी को पाक अधिकृत कश्मीर की ज्यादा चिंता है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं, लेकिन वे हिंदुस्तान के कश्मीरियों से बात करने को तैयार नहीं हैं। अगर हमें कश्मीर के लोगों के मन में विश्वास पैदा करना है, फिर चाहे वह पाक अधिकृत कश्मीर हो या भारत अधिकृत कश्मीर हो, या वहां के लोगों से बातचीत के जरिए ही संभव है। हालांकि बाद में एहसास होने पर उन्होंने अपनी गलती को सुधारा और कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। नहीं, दिग्विजय ने आजादी के नारेबाजी को भी जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि नारेबाजी करना कोई देशद्रोह नहीं है, आजादी के नारे तो पीडीपी के लोग भी लगाते हैं। दिग्विजय सिंह अपने बयानों से हमेशा विवादों में रहते हैं और इस बयान के बाद विरोधी दल उन पर क्या हमला करते हैं, ये देखना बाकी है। देखते रहिए डीबी लाइव।